सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि अनवांटेड किड को खाने के बाद कौन सी डाइट को लेना चाहिए, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइज टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो वीडियो को जरूर डिसलाइक करना। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए मिफेप्रिस्टोन इस किट की पहली टैबलेट होती है। मिफेप्रिस्टोन 200 mg की टैबलेट होती है और इस किट का कोर्स पहले दिन जब आप शुरू करोगे तो पहली टैबलेट को लेने से 2 घंटे पहले आपने हल्का खाना खाना होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में बना कर चलें कि ये जो किट है ये आपका गर्भपात करती है, और जो गर्भपात का प्रोसेस है वो गाइस हल्के में नहीं लेना होता। तो जब आप इस किट की पहली टैबलेट लोगे तो उससे 2 घंटे पहले आपने हल्का खाना खाना है। क्यों खाना होता है? क्योंकि मिफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट होती है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने का नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ब्लॉक करती है। मतलब क्या है कि ये भी हार्मोनल ड्रग है और हार्मोन्स को इनहिबिट कर रही है, ब्लॉक कर रही है। अब जब बॉडी में हार्मोन्स फ्लैक्चुएट होते हैं तो आपको नोजिया वोमिटिंग रहता है, साथ ही कई बारी चक्कर आते हैं, सिर में दर्द रहता है, घबराहट बेचैनी होती है। अगर आप हैवी फूड लोगे, ऐसा खाना लोगे जो शरीर को पचाने में मुश्किल होती है, तो मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। अगर आपको नोजिया वोमिटिंग होगा तो जब आप मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लोगे तो वो वोमिट हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी, जिसके चलते आपको इस टैबलेट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको हमेशा हल्का खाना खाना होता है। हल्के खाने में आप ऐसी कोई भी चीज़ खा सकते हो जो हल्की होती है, मतलब दलिया खिचड़ी या फिर ब्रेड बिस्कुट डबल रोटी, दूध या फ्रूट, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, जूस भी लेते हो इस टैबलेट को लेने से पहले। ओके उसके बाद 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, बीच में आप चाहें तो कुछ खा सकते हो लेकिन नोजिया वोमिटिंग होने की चांसेस रहते हैं, इसीलिए आप 2 घंटे तक कुछ ना खाएं ताकि आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत ना हो। ओके उसके बाद आप 2 घंटे के बाद कुछ भी आप हल्का फुल्का खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का का मतलब ये है कि सेमी सॉलिड डाइट आप ले सकते हो। ओके यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर आपका जो गर्भपात का प्रोसेस है वो शुरू नहीं होता है। ओके इंटरनली तो ये टैबलेट काम करती है लेकिन जो गर्भपात के साइनो सिम्टम्स होते हैं, पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, नोजिया वोमिटिंग होना, एब्डोमन क्रैम्प्स होना, बैकएक होना, चक्कर आना, मितली आना वगैरह, जितने भी साइनो सिम्टम्स होते हैं ना वो शुरू नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनली ये टैबलेट काम करती है। ओके उसके बाद जब आप मिसोप्रोस्टोल टैबलेट को लोगे 48 आवर के बाद लोगे, तब भी आपने 2 घंटे पहले आपने हल्का खाना खाना है। एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है, अगर आप हैवी खाना खाओगे तो आपको नोजिया वोमिटिंग रहेगा और आपको वोमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे। अगर वोमिटिंग होगी तो आपको मिसोप्रोस्टोल टैबलेट का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आप मिसोप्रोस्टोल टैबलेट लोगे तो 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको एब्डोमन क्रैम्प्स के साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि हैवी ब्लीडिंग होती है 24 घंटे तक। ठीक है, 24 घंटे के बाद ये धीरे धीरे कम होती है और 10 दिन तक ये बिल्कुल सेटल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो जब आप मिसोप्रोस्टोल टैबलेट को लोगे तो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने के 4 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस रही है तो आप कोई भी लिक्विड डाइट आप ले सकते हो, शेक ले सकते हो। 4 घंटे में हैवी ब्लीडिंग होती है, उस टाइम जो मूड है वो फ्लैक्चुएट होता है और साथ ही कई बारी डिजीनेस आती है, तो आप ऐसे समय में डार्क चॉकलेट खा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 4 घंटे के बाद आप कोई भी लिक्विड डाइट को ले सकते हो। ठीक है, 4 घंटे के बाद जब आपको हैवी ब्लीडिंग कम होने लगे तो आप कोई भी सेमी सॉलिड डाइट ले सकते हो, लेकिन सॉलिड डाइट को नहीं लेना ताकि आपके बॉडी को भी प्रॉपरली काम करने को मिले। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी
आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने पर ना जाए, आपका जो गर्भपात का प्रोसेस हुआ पड़ा है बॉडी उस पर भी काम कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा हैवी चीज़ को ना खाओ, आपको हल्का खाना ही खाना है, ठीक है। यहाँ पर कई लोग ये गलती करते हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी को नहीं पीते, लिक्विड डाइट को नहीं लेते, हाइड्रेट नहीं रहते, कहने का मतलब ये है, और साथ ही एंजाइटी और टेंशन के कारण वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। लेकिन आप अच्छी मात्रा में पानी को पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है तो आपने सेमी सॉलिड डाइट लेनी है, हल्का खाना खाना है, दलिया खिचड़ी या फिर ब्रेड बिस्कुट डबल रोटी या दूध या शेक आप ले सकते हो, जूस ले सकते हो, ठीक है। अब 24 घंटे से 3 दिन तक आप सेमी सॉलिड डाइट को लोगे और सीट्रक फ्रूट जूस जो विटामिन सी से भरपूर हो, सीजनेबल कोई भी फ्रूट हो सकता है, मौसमी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कुछ भी हो सकता है, आपने सीट्रक फ्रूट जूस दिन में 4 बार लेना है, 1 गिलास, और रात के समय हल्दी वाला दूध पीना है। साथ ही आप सुबह के टाइम, दोपहर के समय और रात के समय सेमी सॉलिड डाइट को लोगे 3 दिन तक, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना जो डेली का खाना है वो आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पर गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गर्भपात का प्रोसेस है उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होती है और आपकी बॉडी को उस समय विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सभी प्रकार के विटामिन्स के साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन से आपके जो मसल्स हैं और जो भी टिश्यूज़ डैमेज हुए थे वो रिपेयर होंगे, साथ ही आयरन से आपका जो ब्लड लॉस हुआ था वो पूरा होगा। तो आपने अच्छी मात्रा में एक न्यूट्रिशनल डाइट को लेना है, ओके। और ये जो डाइट फ्लो है कम से कम आप 1 महीने तक यूज़ करना, ताकि आपको जो भी आपका ब्लड लॉस हुआ है वो आपका शरीर उसको पूरा कर सके, ओके। साथ ही अगर आपको किसी बात को लेकर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका कमेंट का फटाफट रिप्लाई करूंगा। तो गाइस आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।